back to my channel. I'm Mama Moni and I hope you all are doing great and happy Choti Deepavali. And to aaj main lekar aayi hu Diwali shopping part 2. So jaise ki Diwali shopping part 1 maine dal diya hai aur agar jisne abhi tak nahi dekha to main link description mein dal dunga, aap dekh lena. Baki aaj main lekar aayi hu kyun hum nikal rahe pee 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 pee. Hey guys, welcome back to my channel. Mama Moni and I hope you all are doing great. हैप्पी छोटी दीपावली सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली शॉपिंग पार्ट 2। जैसे कि दिवाली शॉपिंग पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी और अब मैं लेकर आई हूँ दिवाली शॉपिंग पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था गाइस अपने ब्लॉग में कि अभी तो दिवाली आने वाली है तो छोटा मोटा जो भी शॉपिंग है वो रहेगा। तो अभी मैं गई थी कल जनकपुरी यूनिटी 1। नहीं पता कि जनकपुरी यूनिटी 1 कहाँ पर है तो मैं बता देती हूँ कि वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी यूनिटी 1 है और वहां पर मैं गई थी बिग बाजार। तो वहीं से मैंने कल की शॉपिंग करी है। तो आई होप कि आपको मेरी जो शॉपिंग है अच्छी लगी होगी और मैं अपने दिवाली आउटफिट भी ले आई हूँ और भैया दोस्त का भी आउटफिट ले आई हूँ। तो जल्दी से मैं शेयर करती हूँ क्योंकि कल से मैंने वो एक कोने पे रखा हुआ था सामान और फिर भी वो टूट गया। क्या टूटा? सेजवान क्या बोलते हैं, सेजवान बराबर, ठीक है। वो जो था ना वो टूट गया, सेजवान सॉस थी ना वो टूट गई क्योंकि कल मैं बकेट से निकाल रही थी सामान तो वो एकदम से मैंने निकाला और वो टूट गया। तो मतलब कल ही मुहूर्त हो गया, मतलब जो भी था। तो इसलिए क्योंकि कांच का भी सामान है, ग्लास है, तो मैंने सोचा कि बस फटाफट से आपके साथ शेयर कर दूं, दिखा दूं कि मैं क्या लाई हूं और मैं अपनी आउटफिट भी ले आई। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो गाइज। कमेंट करना और गाइज लाइक करो यार, लाइक करो, कनेक्ट रहो मुझसे क्योंकि अब मैं दिवाली ब्लॉग भी लाने वाली हूँ, भैया दोस्त भी ब्लॉग लाने वाली हूँ, मैं बहुत सारी चीजें लाने वाली हूँ इस महीने, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो गाइज लंबा चौड़ा भाषण ना करते हुए मैं फटाफट से अपनी जो चीजें लाई हूँ घर की, छोटी मोटी चीजें, क्यूट क्यूट सी, मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो कितना ज्यादा क्यूट है ये, मतलब क्या ही बोलू यार। ये वहां पर दूर था और मेरी इसके ऊपर नजर गई और मेरा दिल आ गया। मतलब ये है शावर मैट, ठीक है। तो ये शावर मैट आपके वॉशरूम में ही, मतलब वहां पे ही रखा जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, शावर मैट है तो वॉशरूम ही जाएगा। तो ये इसके पीछे ना ऐसे है, इसके पीछे ये जो आपका जो भी होगा फ्लोर, इसके ऊपर ना ऐसे बिल्कुल ना अटैच हो जाएगा, हिलेगा नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और आप प्रिंट की बात तो बस करिए ही करिए, ना करिए तो बोलना ही नहीं है ना। तो प्रिंट देखिए, सनफ्लावर प्रिंट है और कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। हालांकि जो मेरा वॉशरूम है वो ब्लैक और गोल्डन थीम में है बट स्टिल मेरे को ये बहुत क्यूट लगा तो मैं ले आई। और ये मुझको मिला 349 रुपीज का यूनिटी 1। जैसे मैंने बताया यूनिटी 1 में गई थी जनकपुरी, वहीं से मैंने बाय किया है और ये बहुत क्यूट है ना। तो सेकंड आइटम है ये मेरी बेडशीट जिसने मेरा घर देखा हुआ है वीडियोस में थोड़ा थोड़ा, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि मेरे जो घर का थीम है वो व्हाइट, ब्राउन और गोल्डन कुछ ऐसे ही है। जो मेन है वो ब्राउन कलर है, ठीक है। तो मैं बेडशीट भी ब्राउन ढूंढ कर लाई हूँ कि भाई दिवाली पे ना कि ब्राउन कलर की बेडशीट बिछानी है मेरे को। और इसका प्रिंट ऐसे है और ये विंटर वाली बेडशीट है, मे बी आप इसको यूज कर सकते हो बट विंटर के लिए उन्होंने बोला कि विंटर के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। और ये ब्राउन कलर की है और हल्का फुल्का इसके ऊपर प्रिंट है तो ये प्रॉपर मेरे बेड से जा रही है क्योंकि जो मेरे बेड का पीछे का पार्ट है कोल्टिंग पार्ट वो ब्राउन कलर का ये प्रॉपर जा रही है। बहुत मस्त लग रही थी यार देखने में। और जब मैं इसको गाइस अपने बेड पे डालूंगी ना तो मैं आपको जरूर फोटो शेयर करूंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मेरे को फॉलो कर लो, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। तो गाइस आप मेरे को जल्दी से फॉलो कर लेना, वहां पर मैं सारी चीजें अपडेट करती रहूंगी जो जो मैं यूज करूंगी, ठीक है। तो गाइज ये है वैसे 1800 रुपीज की बेडशीट बट उस टाइम पे ऑफ चल रहा था, मतलब दिवाली ऑफ चल रहा था, दिवाली ऑफर सेल चल रही थी तो ये मेरे को 800 रुपीज की मिल गई है बेडशीट। और ये हैप्पी लिविंग की है तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छी डील लगी यार, 1800 रुपए की चीज 800 रुपए मिल गई। तो या आई एम हैप्पी, जब मैं एक्सपेक्ट करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। हर घर की जरूरत
ये तो होता ही है किचन में, ये चॉपर है एंड जूसर कॉम्बो है। तो जैसे कि मेरे पास ना मतलब वो ग्रेटर है जिससे हम कद्दूकस कहते हैं ना, वो है, मिक्सी है, ये सब कुछ है, पर ना एक होता है ना इलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब बिजली कट गई है, तो एक होता है कि चलो जल्दी से कुछ ज्यादा गैस चाहे तो चॉप कर ले, तो ये मैंने सोचा कि लेना चाहिए। तो ये चॉपर है और जूसर है, तो ये मुझे मतलब ये भी दिवाली सेल पे चल रहा था, तो ये भी मुझे अच्छा खासा मतलब मिल गया। आई थिंक 500 रुपीज में मेरे को ये मिल गया और 1000 रुपीज का आइटम है, तो वाओ यार ग्रेट ना। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एक बार। ये ऊपर इसकी जो लिड है वो ब्लैक कलर की है और यहाँ से भी ब्लैक है और जिसका हैंडल है वो ग्रीन कलर का, और ये ऐसे चॉप होती है। आपको बस इसमें ऑनियन लहसुन वगैरह डालनी है, इसको ऐसे बंद करना है एंड इसको पुल करना है। इजी ना यार, बढ़िया आइटम है ये, किचन में ये होना चाहिए और हर एक लेडीज के पास या हर एक गर्ल के पास जो अलग रहते हैं उनके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो आई गेस ये बहुत अच्छा आइटम है और ये दोनों मुझे 500 रुपीज में मिल गया, तो मतलब वाओ सोने में सुहागा वाली बात है। मैं आपको जूसर भी दिखाती हूँ एक बार। गाइस ये है जूसर, ठीक है, आपको इसके ऊपर जैसे ये जो ऑरेंज या जो भी मौसम होती है ऐसे करना है, इसके ऊपर डालना है और ऐसे 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 करना है, गोल गोल आउट। और 300 ml का है। जब भी मैं गाइस इसको किचन में यूज करूंगी, जैसे मैं व्लॉग्स करती हूँ तो किचन में भी होती हूँ मैं, तो जब मैं यूज करूँ तो गाइस आपको मैं जरूर ये दोनों चीजें यूज करके भी दिखाऊंगी अच्छे से। तब तक लिए आप ऐसे ही देख लो कि हाँ, और 500 रुपीज में बहुत बढ़िया है, क्रिस्टल ब्रांड का है। फोर्थ आइटम है, ये दिखाने वाली चीज तो नहीं है बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये है टॉयलेट ब्रश क्लीनर। तो गाइस मेरे को अच्छी चीज क्या लगी, ये जो है ना मैंने अभी ओपन भी नहीं किया, इसको ओपन भी कर लेती हूँ एक बार। तो गाइस ये है टॉयलेट ब्रश क्लीनर, इसमें अच्छी चीज क्या है, इसके साथ में ये स्टैंड आ रखा है जिससे ना विजिबिलिटी जो होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। मतलब अगर आप अपने वॉशरूम में इसको रखोगे ना तो कुछ भी ऐसा अलग सा आइटम नहीं लगेगा, होता है ना मतलब टॉयलेट ब्रश रखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस मुझे अच्छा लगा और ये मेरे टॉयलेट से मैच करेगा वॉशरूम से। तो ये ब्रश है और ये इसका स्टैंड है, और मुझे स्टैंड की वजह से ही मैंने ये लिया हुआ है कि हाँ भाई कवर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो ये मुझको मिला है 150 रुपीज का। तो ये है एक ग्लास, विस्की ग्लास कहते हैं इसको, और डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, मतलब वाओ। ये मुझको मिला है 600 रुपीज के, 6 पीस मिले हैं मेरे को, और काफी मतलब एक लग रहा है मतलब बढ़िया वाला डिजाइन ग्लास लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये है नेक्स्ट बियर ग्लास और ये ओशन ब्रांड के हैं। ये देखिए गाइस 450 ml, मतलब उन्होंने बोला है कि 450 ml इसमें बियर आ जाएगी, और ये मतलब बहुत स्लीक है, बहुत ज्यादा मतलब हैंडी है और बहुत ज्यादा क्लासिक। ऐसे मैं 12 पीस लेकर आई हूँ, मतलब 2 बॉक्स लेकर आई हूँ अलग अलग। एक बॉक्स मेरे को मिला इस बियर ग्लास का 1000 रुपीज, और नेक्स्ट जो अलग बॉक्स वो भी 1000 रुपीज। तो मुझे 2000 रुपीज में 12 ग्लास मिले हैं बियर के, और जो कि मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। तो गाइज ये है मेरा दिवाली आउटफिट, और ये कलर कितना प्यारा लग रहा है यार, ये स्काई ब्लू कलर में है और इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट हो रखा है, और ऊपर भी जो डायमंड शेप की ना पूरी पैटर्न बना हुआ है वो भी गोल्डन, और ये लाइक इसी कलर का, तो ये कितना प्रिटी लगेगा। और अगर आपको मेरे को देखना है इस आउटफिट में तो गाइस सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और मेरा दिवाली ब्लॉग जो दिवाली के बाद आएगा उसको जरूर देखना, क्योंकि मैं दिवाली पर यही पहनने वाली हूँ। और इसके साथ में लाई हूँ, ये ग्रे पैंट, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, स्मॉल लिया है मैंने इसमें साइज, पीछे इसकी इलास्टिक है, आगे इसके एक बटन दे रखा है, यहाँ पर चेन है, ठीक है, ये ग्रे कलर में है और इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट हो रखा है, और मैं इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ही पहनूंगी। तो गाइज आप जरूर मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मेरा दिवाली ब्लॉग
मैं बार बार बोलूंगी मैं पूरा दिवाली सुबह से लेके रात तक पूरा शूट करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो गाइज मैं यही आउटफिट पहनूंगी रात को, तो जल्दी से फॉलो कर लेना। और ये आउटफिट मैं तभी पहन के दिखाऊंगी क्योंकि मेरे को फिटिंग करवाना होगा, और अभी नहीं पहनूंगी नहीं तो अभी सारा मजा ना खिरखिरा हो जाएगा। तो ये रख देते हैं हम दिवाली के लिए। तो गाइज ये है मेरा भैया दोस्त का आउटफिट और ये ब्लैक कलर का लाई हूँ मैं। गाइज मेरे को पसंद बहुत कुछ आ रहा था बट मैंने ब्लैक इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। मैं क्या करूं, मैं इग्नोर नहीं कर सकती ब्लैक को। और आप देखिए यार इसके ऊपर ये जो कलरफुल सा ये जो वर्क हो रहा है वो बहुत प्रीटी लग रहा है। और लॉन्ग में है, पूरा लॉन्ग में है, ये व्हाइट कलर का इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है और बहुत बहुत प्रीटी है। और मैंने आपको दिवाली आउटफिट के पैसे भी नहीं बताए। गाइस ये वाली कुर्ती मेरे को मिली है 899 की और ये स्मॉल है, मेरे को थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, मीडियम नहीं मुझे लगा मीडियम है। और ये वाली जो पैंट है वो भी स्मॉल है, वो मेरे को मिली है 600 रुपीज की। और ये ब्लैक वाली लॉन्ग कुर्ती ये मेरे को मिली है 1049 रुपीज की। और इन सब में स्लीव्स है तो मैं देखती हूँ कि मैं स्लीव्स लगवाऊंगी या नहीं लगवाऊंगी। गाइज कमेंट करके बताना कि आपको मेरी आउटफिट कैसी लगी हो। और अगर आपको मेरी दिवाली का यही मैं थोड़ा बहुत ही सामान लाई थी क्योंकि मैं पहले भी लेकर आ चुकी हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा जो दिवाली शॉपिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कनेक्ट रहना हमेशा मेरे साथ, सपोर्ट करना। और बाकी मिलती हूँ मैं आपको दिवाली ब्लॉग में। तो या हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी गोवर्धन, बाय।